जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों नमस्कार। और ये जो बैग आप देख रहे हैं, दरअसल मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 45 में दैनिक भास्कर ऑफिस के जस्ट सामने वाली गली में। और यहाँ अभी अभी लोगों ने एक स्मैक्ची को पकड़ा है, 2500 रुपये की चोरी करके वो यहाँ से भागा। लोगों ने उसको पकड़ा और सुबह से उसकी तलाश में थे लोग। और उनमें से उन 2500 रुपये में से उसने 1000 रुपये की स्मैक खरीद ली, बाकी के 1500 रुपये लोगों ने उससे बरामद कर लिए। और ये उसी का बैग है। अब मैं आपको उसको भी मिलवा देता हूँ। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? राजुद्दीन। कहाँ का रहने वाला है? गुलसार का रहने वाला हूँ। कहाँ का? गुलसार का। अभी तो तू कहीं और का बता रहा था ना? बगल में ही है, एक खेत को भरा का बैस। तो ये 2500 रुपये कहाँ से चुराए थे तूने? चुराए नहीं थे मैंने, तो इनसे गेहूं की कहने आया था मैं, ड्राइवर ने भेजा था मैं। तो गेहूं बिक जाए तो मन के बेच देंगे, वहां कोई और से बात कर ली। तो वो 2500 रुपये आपने इनको दिए क्यों नहीं? फिर आप भगे क्यों थे? मैंने 1500 दे दिए उनको। और 1000 कहाँ गए? 1000 वो स्मैक लिया ड्राइवर को। अच्छा, ड्राइवर कहाँ है वो स्मैक वाला? गाड़ी ले भग गो, मेरे बैग फेंक गो। अच्छा, नाम वो छोड़ गो नहीं, मेरे बैग पड़ा होएगा ना बाहर। किससे खरीदी थी स्मैक? इधर से आओ काजी कॉलोनी से भाई ने फोन करो। कौन ने? ड्राइवर ने। क्या नाम है ड्राइवर का? हुआ आसीम है। आसीम कहाँ रहता है वो? बालघाट। बालघाट। और स्मैक उसी ने खरीदी थी? हाँ। तेरी स्मैक कहाँ है? मेरी तो कनाम साहब पन्नी पहन मार दे, मैं पी भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे पड़ी है माई। अब पीनी है मतलब? नहीं पीनी मैं। क्यों पी ले? कहाँ का चोरी करता है तू, सही बता। बाबूजी मैं चोरी आज तक नहीं करी ना, मेरी घरवाली है नी चूड़े लगाती है, बाकी संग संग चूड़े लगाता हूँ मैं अपनी कसम ले। तो फिर स्मैक का शौक कब से है तेरे को? इसी ने लगाया ड्राइवर ने। कितने साल से? ऐसे हो गए होंगे कनाम 1.5 साल से तो हुई होगी बाबू। तो रोजाना स्मैक का खर्चा चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है तेरे पास? 200 रुपये रोज दे रहे मेरी घरवाली ने। तो 200 रुपये रोज में स्मैक आ जाती है क्या? आ जाती है। रोज 200 रुपये की स्मैक पीता है तू? 200 रुपये रोज पीता हूँ मैं। कहाँ से खरीदता है? अपने फैलीपुरा से लेता हूँ। देखिए, और ये इसके पास से स्मैक भी बरामद हुई है, अंदर है इसके अंदर, और बीड़ी के बंडल भी इसके पास थे। इसमें है स्मैक। छोड़ो, आप हाथ मत लगा उसको, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पीड़ी ये है इसमें, ये देखिए। और बीड़ी ले रहा हूँ। आपने कहाँ से पकड़ा था इसको? सर इसको यहाँ पटरी के पास में छोटे से प्लॉट में पड़ा हुआ था और पी रहा था इसमें, ये बच्चे देख रहे थे उसे, हम घूम बहुत देर। नहीं, 2500 रुपये का क्या मैटर था? 2500 रुपये का ये था कि सर ये आया था घर पे, तो घर हमारे गेहूं भी खत्म हो गए थे, तो ये आके बोला कि 1000 रुपये में, मतलब कुंटल 1000 रुपये कुंटल गेहूं है और आप ले लो। तो ठीक है, घर वालों ने हाँ बोल दी और कसम वसम खा गया था कि मेरे दो बच्चे हैं उनकी कसम खा के बोल रहा हूँ कि ठीक है। तो घर वालों ने 2500 रुपये लेके भेज दिया था मुझे। तो मैं ये गोयल धर्मकांटे के यहाँ पे इसने गाड़ी रुकवाई थी आगे जाके, तो बोल रहा है कि मैं तू मुझे पैसे दे दे, तू जब तक ऑटो कर ला मैं गेहूँ तुला लेता हूँ। मैंने इसे बोला कि भाई पहले पैसे क्यों दूँ मैं तुझे? तो बोल रहा है कि विश्वास रख, पैसे तो हाथ के मेल है वगैरह वगैरह बोलता रहा था। और मैंने भाई विश्वास करके इसको पैसे दे दिए थे, तो मैं ऑटो करने गया। मैं 5-10 मिनट में आया था ऑटो करके, तो आके देखा ये वहाँ पर था नहीं। तो वो गोयल धर्मकांटे वाले का, तो मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, उसमें पता चला कि कांटे के साइड में होकर खेत में कूद के निकल गया। तो उसके तो मतलब चोरी नहीं की थी, आपसे झूठ बोल करके पैसे ले गया था। फिर कितने पैसे बरामद हुए इससे? इससे इसने 1000 रुपये की स्मैक पी चुका है, 1500 रुपये वापस किए इसने। कौन सी जगह की बात है ये? अपने रिको इंडस्ट्रीज एरिया के सामने आए थे ये। और कौन था इसके साथ? और था क्या कोई? नहीं, इसके साथ कोई नहीं है, बस यही नाम बता रहा है, पता नहीं क्या ड्राइवर नाम का, उसको 500 रुपये की दिलाई है और 500 किसने पी है ये बता रहा है ये। चलिए, तो ये है वो नमूना, हाँ इनको वापस वैसे के वैसे ही रख दो आप।
और अब चलिए हमारा काम है, हम पुलिस को सूचना तो दे देते हैं, और अब इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं पुलिस वो जाने। बाकी स्मैक वालों का मेरे ख्याल से अब क्या इलाज हो सकता है तो पुलिस ही बेहतर समझती है। आज सांसद साहब के सामने भी ये मुद्दा उठा था, और उस समय भी एडिसन साहब ने कहा था कि बिल्कुल इनको पकड़ना, दूसरी बात इनका इलाज करवाना, इसको लेकर के भी अब जल्द ही मुहिम चलाई जाएगी। लगातार आपको हर पल की खबरें अपडेट हम देते रहते हैं, आगे फिर बताएंगे किसी और लाइव में।